लास्ट डे को मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं और एक बार स्मिथि से कैसे मेटल के हथियार बना सकते हो वो दिखाऊंगी, और फिर डिमॉर्फोडन को मैं अपना पेट बना पाई हूँ क्या नहीं वो भी देखेंगे, और रैप्टर का हद तक कैसे किया मैंने, फिर चैलिकाथरियम का अचानक अटैक अपने बेस पे कैसे हुआ, कार्बोनेमिस को कैसे टेम किया जाता है, और एज यूजुअल साथ ही साथ घर को बनाएंगे एक साथ मिल गए। तो होला टियर्स गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अरिका आज दोबारा से फिर से और एक बार फिर से खेल रही हूँ एयर के सर्वाइवल इवॉल्व। तो शुरू पे हम तो बना ही रहे थे अपना वुडन फाउंडेशन, सॉरी स्टोन फाउंडेशन को, और इधर पे एक पेड़ उग चुका था उसको भी काट के इधर पे साफ कर देते, और इधर पे एक शेडल मिल चुकी है जो कि कोई काम का नहीं है, अगर हम लोग कोई प्राइवेट सर्वर पे खेलते तो उस पे काम आएगा। बाकी इधर पे स्मिथी से कैसे हम लोग मेटल टूल को बना सकते फिर से और एक बार दिखा देते। हाइट दो, उड दो और मेटल इग्नोट को दो, फिर जाके जो भी टूल आप लोगों को बनाने हैं उस पे क्लिक करके आप लोग उसको आसानी से बना सकते हो। जितना भी रिक्वायरमेंट्स है ना वो सारे के सारे देखो दिख जाएगा आप लोगों को, ये देखो इधर पे, ठीक है। तो इस पे आप लोगों को लिखा हुआ रहेगा कि कौन सा चीज कितने अमाउंट में कितने पोर्शन में चाहिए, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली कर लोगे। फिर इधर पे देखो एक डिमॉर्फोडन को मैं टेम करने की कोशिश करती हूँ और उसको डंडा लेके बहुत मारती हूँ, और ये भी बैक टू बैक मेरे ऊपर अटैक कर देता है। मेरी गलती यहाँ पे यही थी कि मैंने इसको बोला नहीं मारा पहले। बाकी मेरे सारे एनिमल्स, ओह शिट यार, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये लोग इधर ही है। बाकी मैं काम करती हूँ, मैं फटाफट से इधर पे दौड़ लगाती हूँ और इन लोगों को, ओह नहीं यार ये लोग तो डाइवर्ट हो ही नहीं रहे यार, क्या करूँ अब। ये लोग कंटिन्यू इसके साथ लड़ाई किए जा रहे हैं, और जितना दिक्कत होती है ना इन लोगों के साथ लड़ाई करने में, मतलब ये लोग मुझे मारने ही नहीं देता, ये लोग खुद ही मारने लग जाता है, और मैं फंस जाती हूँ उन लोगों के मेडल पे, और बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ फिर भी। देखो 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 कैसे मेरे को इधर पे जकड़ दिया इन लोगों ने, मैं कैसे मारूँ अब इन लोगों के चक्कर में, मतलब क्या ये लोग मार पाएगा या नहीं ये भी मुझे समझ में नहीं आ रही है। बार बार मैं दौड़ के इधर पे उधर पे जा रही हूँ कि इन लोगों को मैं एक बार रोक पाऊँ, बट देखो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है इन। ओ शिट, मैं पैची मार गया, मेरा सबसे फेवरेट डेलोस्पोरस भी मारा दिया। इसको तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरे को बहुत हो गया इसका, मतलब इसका अब तो इसको ख़त्म करके ही रहूंगी मैं। रुको तो सेकंड, चलो ख़त्म कर दिया, मतलब क्या ही बताएं हम। मुझे लगा था ये लोग स्ट्रांग होगा यार, तीन तीन बंदा। पैची मर गया, मेरा सबसे फेवरेट डेलोस्पोरस मर गया, और एक कोई मरा था पता नहीं, एक बैग तो था बट पता नहीं किसका डेड बॉडी होगी। छोड़ो ये सब बातें, अब जो हो गया मैं सोच नहीं पा रही हूँ ये सब, मतलब ये लोग पता नहीं इतना ज्यादा कमजोर कैसे निकल गई। बाकी इधर से एक सप्लाई क्रेट से मुझे मिल जाती है फिर से दो वुडन बॉक्स, वुडन मतलब स्टोरेज बॉक्स, ठीक है। तो उसमें से और एक चीज मिलती है मुझे, देखो ये जो फूड बनाने वाली पॉट है ना वो भी मिलती है, इसको मैं लगा नहीं पाती, तो इधर पे मैं एक हैच को पहले फिट कर देती हूँ, क्योंकि बार बार वुडन फ्लोर को लगा रही हूँ ना, बहुत ज्यादा वुड लग रही है, तो मैंने सोचा हैच का फ्लोर ही बना देते यार, कौन सा मतलब बाद में तो इसे तोड़ना ही पड़ेगा। तो देखो अभी कितना सुंदर लग रही है, मैंने कभी ऐसा नहीं बनाना, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है सच बता रही। इधर पे मेरा घर है और इधर पे मैंने अपना किचन बना के रखा, और इधर पे मेरा सारे पशु है, और फिर से एक बार मिल जाता है मुझे वो रेयर फ्लावर, इसके हम लोग खा सकते, भूख को मिटा सकते हैं। जो भी हो फिर से एक बार मुझे दिख गई है डिमॉर्फोडन, चलो इस बार मैंने गलती नहीं किया, इसको ब्लोला से मैंने अटक दिया, और मारते इसको दमादम करके मारते। चलो आओ बेटी, तुम अभी श्वान कॉन्शियस हो जाती हो मेरा बच्चा, अभी चलो इसको मैंने इसका जो जोड़ीदार है ना ये मेरे को अटैक करिए, इसको मैं ऐसे नहीं मार सकती हूँ, अगर स्पीयर को मैं कंटिन्यू सामने की तरफ थ्रो करती हूँ ना तो ये खुद ब खुद आके इसमें फंस जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार है, मतलब आसान है, ठीक है। इसको आप बस चलाते रहो, ये पागल घूम घूम के बिल्कुल आपके मुंह के सामने से आएगा, और अकेले अकेले स्पीयर से लग के ये मारा जाता है, तो बहुत आसान है। अगर कभी डिमॉर्फोडन आप लोगों को अटैक करता है तो आप लोग इससे बहुत आसानी से स्पीयर लेके इजीली बच सकते हो। इसको मैंने टेम कर लिया, क्या कर रहा है ये, ओए हेलो हेलो, ओए
धोखेबाज, ये तो धोखेबाज निकला। वो क्या है? ओ ओ व्हाट? अरे यार देखने भी नहीं देता, ये लोग आ जाता है भय-भय करते करते मेरे पीछे। मतलब क्या है भाई, देखने दे तो। क्या था वैसे, ये बता सकते हो क्या? क्या था क्या वो? कि स्टोन तोड़ने चल, ओह शिट 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 शिट, स्टोन तोड़ने देगा तब ना, मतलब ये रैप्टर मेरे पीछे पड़ गया। उस यार लेवल 10, ये लेवल 1 का है यार, 10 का सोच रही थी मैं। रुको, मेरे को एक बार उठने दे बेटा, फिर मैं तेरे को बताती हूँ। बहुत ही आसानी से आप लोगों का लेवल अगर आप हो जाता है ना, रैप्टर को किल करना बहुत आसान हो जाते। चलो मर गया, कैसे मुंह करके मारा यार, बहुत लगा बेटा तू मर गया। तो चलो इधर पे इसको तो मैंने मार दिया, अभी बाकी, अभी देखो सामने मुझे और एक इन्वेंट्री मिल जाती है। मैं बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री को इधर पे ना कलेक्ट करते रहती हूँ। शिट 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 शिट, ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं यार? नहीं नहीं नहीं, मेरे 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 एनिमल्स के पास नहीं। ओह शिट, मैं पता था मेरे को ये, मतलब ये प्लान है यार के वालों का यार, मतलब एकदम जानबूझ के अटक करवा रहे हैं मेरे को सारे टाइम से, मतलब मेरे को पता था। अच्छा तो मार दिया ना तुम लोगों को, क्या फायदा? ये लोग तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। इधर पे देखो, अभी इसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये है चैलिकोथेरियम, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये बहुत मारता है यार, इससे कैसे पता नहीं कैसे मिट्टी का ढेला ये सब लेके ना दम मारता है, और बहुत ज़्यादा आप लोगों का हेल्थ डिक्रीज हो जाएगा अगर ये मारा तो, और ये बिना कारण पीछे पड़ जाता है। मैं अपने सारे एनिमल्स को अपने तरफ बुलाती हूँ कि मेरे एनिमल्स इसके साथ ना भी रहे, बट ये चैलिकोथेरियम आया ही था मेरे पशुओं को मारने के लिए। अभी देखते हैं कौन जीता है कौन बाकी। मुझे बहुत डर लग रही है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, और ये लोग मुझे बचाने के लिए पूरा कूद चुका है। मैं भी इधर से ट्राई किए जा रही हूँ, और सक्सेसफुली हम लोग इधर पे सक्सेस पा जाते। देखो कैसे फिमोया ने, मतलब दोनों फिमोया ने इसको कैसे जकड़ के मार दिया। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड बाई देम यार, ये लोग कितना छोटा छोटा और इतना बड़ा सा एक जानवर था, बट ये लोगों ने मिल के इसको डिफीट कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गई हूँ। अभी मैं पशुओं का गैंग को भी बढ़ाने वाली हूँ इसी कारण बस, कि सब मिल के बस मार दे मेरे को बचा दे यार, मतलब मुझे इन्वेंटरी या फिर कुछ भी और लॉस नहीं करना। टफ एंड टफ पशुओं को मैं अभी धीरे धीरे टेम करने की कोशिश करूँगी, अभी सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके कि कैसे हर एक पशुओं को हम टेम कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूं मैं, अगर आप लोगों का जो मेटल टूल है वो अगर खराब हो जाती है, आप लोग नया बनाने से अच्छा आप लोग उसको रिपेयर कर लो, क्योंकि नया वाला बनाने में जितना ज़्यादा आप लोगों को मेटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, रिपेयर करने में उसे आधा चीज लगती है। देखो जैसे कि वुड इधर पे 0 हो गया, मेटल इग्नोर उसमें था 8, इसमें 4 लगेगा, और हाइड उसमें था 10, और इसमें अगर आप लोग रिपेयर करते हो तो उसमें लगता है 5, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि आप लोग अगर रिपेयर करते हो तो आप लोग प्रॉफिट में जाओगे। तो मैंने 2 करके टूल बना के रखती हूँ, एक अगर ख़राब हो जाती है उसको बाद में लेके आके उसको मैं रिपेयर कर लेती हूँ। अभी चलते घर का बाकी काम को करने के लिए, और देखो इधर पे फाउंडेशन तो मैं बना चुकी थी, और अभी पिलर लग रही है मेरे घर पे, और इधर पे मिल चुकी है मुझे एक स्ट्यू बोल के कुछ एक खाने की चीज मिली है, जिसको मैंने इग्नोर किया, खाया नहीं। अभी बाकी स्टोन पिलर ये सब लगा के मैं बनाने वाली हूँ अपना घर का जो एकदम फ्रंट साइड, वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं बना पाऊंगी भी क्या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही है। एक कार्बोनेम इसको आज मैं टेम करने वाली हूँ, तो वही दिखाते हैं। चलो इसको कुछ नहीं, जस्ट एक वुडन क्लब को लो और इसको दमादम से फिर से मारो, एकदम जैसे आप लोगों को आता है आप लोग मारते जाओ कंटिन्यू। तो चलो ये देखो अभी ये हो गया है अनकॉन्शियस। एज सिमिलर आप लोगों को इसके इन्वेंट्री में जितने भी ज्यादा बेरीज है सबको ट्रांसफर कर दो, और ये खाना स्टार्ट कर चुका है, और ऑटोमेटिकली ये एक टाइम के बाद हो जाएगी टेम और बन जाएगी आपका प्यारा सा पेट। तो चलो अभी बाकी का देखो, उडन का जितना भी पिलर एक एक करके लगा रही हूँ, अभी पता नहीं कितना ज्यादा मेहनत लगेगी इसको बनाने में, क्योंकि बहुत बड़ा बंगला बनाने वाली हूँ मैं, पता नहीं वो कर पाऊंगी भी क्या नहीं वो भी नहीं पता। रात हो चुकी थी, उससे दिन हो चुके, ये कितना खाता है आप लोग सिर्फ देखो, खाते ही जा रहा है, खाते ही जा रहा है। टेंक को पता नहीं, मैं रात को मतलब
बड़ा के आ गई, इसके लिए सारे रात जागना पड़ा मेरे को, फिर भी ये टेम नहीं हो रही है। तो चलो वो देखो खड़ा है मेरा बच्चा, ओहो हो गया टेम हो गया अभी तो, चल घर चल। सारे रात मिलके बुरा एक दिन लगा दिया यार मोटे ने। तो चलो अभी इधर पे दो चीजें और खोल लिया, जो एक डायनासोर गेट हुए एंड और एक है डायनासोर गेट। इसको मैं घर के सामने लगाऊ या फिर साइड में लगाऊ या फिर कैसे बिठाऊ, किस काम के लिए लगा मुझे समझ में नहीं आ रही है। इधर पे अभी तो मैं पिलर वगैरह लगा रही हूँ और इसमें कैसे वॉल को सेट करूंगी वो भी मुझे समझ नहीं आ रही है, कि देखेंगे आगे जाके। और ये देखो कॉर्नर पे नहीं बैठ रही है, मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रही है, इसको भी मैं कैसे बिठाऊ। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो पे इसके आगे की सर्वाइवल डेज को लेकर। उससे पहले होला टियोस गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, मैं आरिका दोबारा से मिलती हूँ इसके आगे की सर्वाइवल डेज को लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग बहुत खुश रहिएगा, अच्छे रहिएगा, टाटा एंड टेक केयर।